कितनी बार कहा मेरी दुकान के सामने मत सोया करो, पर तुम्हें सुनाई नहीं देता। उठो, चलो उठो, कहा ना मैंने उठो, चलो। फुटपाथ पर ही सोया था, वो भी रात के समय। अगर यहाँ नहीं सोऊं तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ गाड़ियों की मशीन रखी हुई है, अगर यहाँ नहीं सोऊं तो फिर सोने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? तुझे जगह कहाँ मिलेगी? इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है क्या? अगर फिर से सोते हुए देखा तो पुलिस को बुला लूंगा, याद रखना। बड़ा आया पुलिस बुलाने वाला। रात को दुकान बंद करके जा और फिर से वापस आ जाऊंगा। फुटपाथ क्या तुम्हारा अकेले का है? बड़ा आया। वो फिर से आकर सो जाएगा, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखता हूँ तुम कैसे सोते हो। अब मैं कहाँ जाकर सोऊंगा, चारों तरफ पानी ही है। हाँ, अब मैं उधर चला जाता हूँ। कितने मच्छर है यहाँ पे, लगता है कोई अंदर रो रहा है। पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है आवाज अंदर से आ रही है। ओ भाई, अंदर कौन रो रहा है? हाँ, लगता है मुझे ही अंदर जाकर देखना पड़ेगा। इतनी रात को भला यहाँ पर कौन रो रहा है? यहाँ तो लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। आवाज तो यहीं से ही आ रही है। यहाँ ये क्या लिखा हुआ है? अरे कौन रो रहा है बताओ जरा, और क्यों रो रहा है ये भी बताओ। अरे बाप रे, भूत, अरे नहीं, छोड़ दो, अरे नहीं नहीं, भाग भाग भाग, मुझे छोड़ दो बहन, मैं तो रोने की आवाज सुनकर आया था, मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करो, मुझे तो पूरा दिन खाना भी नसीब नहीं होता है, फिर मैं तुम्हारा क्या ही नुकसान कर पाऊंगा। ये खा लो और अब मुझसे डरना नहीं। पिछली बार कब इतना अच्छा खाना खाया था याद ही नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम इतना रो क्यों रही हो, आखिर बात क्या है? क्योंकि मैं जिससे प्यार करती थी वो मुझे ऐसे धोखा देगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। धोखा देगा? किसने धोखा दिया? सब बताती हूँ, उससे पहले ये जान लो, क्रिस्टोफर मेरा हस्बैंड था, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? मैं? हाँ, तुम। पर मैं उसे ढूंढ कर उसका करूँगा क्या? पहले ढूंढ कर पता लगाओ कि 4 नंबर गोल्फ ग्रीन रोड पर वो अभी भी रहता है या नहीं। ए, कहाँ जा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, इतने गंदे कपड़े पहनकर पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चलो जाओ। अच्छा सुनो, ये क्या वही थे क्या क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बॉस का नाम ले रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। मैं अंदर तो नहीं जा पाया, पर उस घर में
कोई तो रहता है जो काली गाड़ी में बैठकर चला गया। पर इस बार तुम्हें अंदर जाना ही होगा, वो भी सीधे क्रिस्टोफर के कमरे में। अंदर जाकर कहना होगा कि नैन्सी ने कहा है, वो जानती है कि जहर की बोतल बक्से के अंदर छुपाई हुई है। ए, चल उठ 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 यहाँ से उठ। मैं खाने क्या चला गया, उसका फायदा उठाकर चद्दर तान कर यहाँ सोने चला आया। चलो उठ उठ कहा ना मैंने, उठ। Who are you? और तुम यहाँ कैसे आए? वल्लभ वल्लभ कम हियर, देखो तो यहाँ कोई घुस आया है। नैन्सी ने कहा है कि अभी भी जहर की बोतल बक्से में ही छुपाई हुई है। Who are you? वल्लभ, पकड़ो उसे, पकड़ो। नैन्सी, नैन्सी कैसे बोलेगी? नैन्सी, 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 नैन्सी। एक मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत फादर? तुम्हारे पाप कर्म अब बदला लेंगे तुमसे। बदला? वो भी मुझसे? कभी कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया और ना बिगाड़ पाएगा। फादर, वो फादर कह रहे थे कि वो मेरे पाप का बदला लेंगे, है ना? पर नैन्सी कैसे बच सकती है? उसका बचना तो नामुमकिन है। जैक, जैक, गाड़ी निकालो, पोस्टरेट जाना है, जल्दी करो। जैक, जैक, लुक एट हिम, इसे ही पकड़ना है तुम्हें। वेट वेट जैक। नैन्सी, ये तो नैन्सी के रोने की आवाज है। ए, अंदर से ही तो आ रही है। रबिश, नैन्सी रो नहीं सकती क्योंकि नैन्सी कभी रो ही नहीं सकती है, समझे तुम? हाँ तो भी ठीक है, एक बार अंदर चल करके खुद देख लो। यहीं पर, यहीं पर, ठीक इसी जगह पर ही नैन्सी रो रही थी। नैन्सी रो नहीं सकती है, कितनी बार बताऊं मैं, नहीं रो सकती है, वो नहीं रो सकती है क्योंकि नैन्सी को मैंने खुद अपने हाथों से जहर दे के मारा है। वो मेरी पत्नी थी, इसके बावजूद मैंने ऐसा किया। है? क्या कहा? जैक, जैक, अभी तुरंत ढूंढ कर निकालो कौन नैन्सी बनकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जो भी होगा तुम उसे छोड़ना मत। जैक, जैक, तुम डरो मत, जाओ जाओ उसके सामने जाओ तुम। नैन्सी, नैन्सी, मुझे प्लीज, मुझे माफ कर दो नैन्सी। तुम्हारे पापा ने जो सारी संपत्ति और कंपनी तुम्हारे नाम लिखी थी, उसे ही अपने नाम करवाने के लिए मैंने तुम्हें जहर दिया था। तुम्हारे धन दौलत और रुपयों के लालच में आकर मैं ये भूल कर बैठा नैन्सी, मुझे माफ कर दो। तुमने भूल नहीं की थी क्रेश, मैंने तुमसे प्यार करके तुम पर विश्वास करके भूल की थी, और अपनी भूल का प्रायश्चित तो मुझे ही करना होगा ना। आ, 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 आ। आज से रोज रात को
तुम आराम से सोना, कोई तुम्हें नहीं भगाएगा। और अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो एक बार बस मुझे पुकारना, तुम्हारी छोटी बहन आ जाएगी। पैसों की मदद से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अपनों का प्यार नहीं खरीद पाओगे।